कवर्धा जिले में हुई बेमौसम बारिश ने धान उपार्जन केंद्रों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण उपार्जन केंद्रों में रखा हजारों क्विंटल धान पानी में भीग गया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ धान का उठाव और बारदाना सप्लाई नहीं होने के कारण 1 जनवरी से धान खरीदी ठप पड़ी है, जो रविवार को भी बंद ही रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर 1 से 6 जनवरी तक धान खरीदी प्रभावित हुई है। वहीं किसान किराए के परिवहन से अपने धान को लेकर खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं, लेकिन खरीदी बंद होने के कारण अब तक तुलाई नहीं हो पाई। वहीं जिला पानी एकाएक आने से ऐसा ऊपरी तौर से बारदाना भीगा होगा, लेकिन धान नहीं भीगा है। ऐसे सभी समिति प्रबंधकों से जानकारी भी लिया गया है और जिला सरकारी बैंक के नोडल अधिकारी से भी लिखित रूप से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि धान कहीं नहीं भीगा, न कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ।